बीजेपी कार्यकर्ता अरुण श्रीवास्तव से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। अरुण श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और वर्तमान में तेलीबांधा मंदिर सार्वजनिक न्यास का व्यवस्थापक। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वो कोई व्यक्ति विशेष के उसमें नहीं चलती। संगठन जो निर्णय लेता है, संगठन जो कार्यकर्ताओं को दायित्व देता है, उस पर कार्य किया जाता है। चाहे वो 370 हो, कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। आज ये देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में मोदी जी की जय जयकार है। ये हमको गर्व महसूस होता है कि कोई तो आज़ादी के बाद ऐसा नेता आया जो भारत को उच्च शिखर में पहुंचा रहा है और विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम की जो वार्ड पार्षद है मोगा, उनको चुनाव के बाद तो मैं देखा नहीं हूं। और रही काम की बात, तो पूरा काम जो है यहाँ के लोकल कार्यकर्ता लोग संभालते हैं उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि पार्षद तो यहाँ रहती नहीं है। पार्षद रहती है भानु प्रतापपुर में। ये तो हमारा दुर्भाग्य कि भानु प्रतापपुर से कोई महिला आके यहाँ से चुनाव जीत के अपना वर्चस्व चला रही है। उसका यही बोलूँगा कि पार्षद पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, चुनाव के 4.5 साल पहले ये पार्षद निगम चुनाव जो हुआ उसके 4.5 साल पहले उन्होंने यहाँ लगा हुआ काशीराम नगर जो गरीब बस्ती है वहाँ पर उन्होंने सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया था। चूंकि पूर्व में जो पार्षद रहे हैं वो बहुत गरीब परिवार के थे, ठेला चलाते थे, फल बेचते थे, उनको जनता ने खड़ा किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिंबल दी थी। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल के निशान पे उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुमत से जीते। और ये बोलूँगा कि ना ऐसा पार्षद पहले मिला है और ना भविष्य में इस वार्ड को पार्षद मिलेगा ऐसा, क्योंकि उसको आधी रात को अगर फ़ोन करें तो वो अगर मान लो खुद सोया हुआ है उसके बाद भी उपस्थित होता था और हर संभव लोगों की मदद करता था। इसमें यही बोलूंगा कि टोटल नगर निगम प्रशासन की और स्मार्ट सिटी की गलती है, क्योंकि बरसात में उनको समझना चाहिए गड्ढा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी गिरेगा थोड़ा सा गड्ढा किए, अगर एक हाथ गड्ढा किए, 2 फीट गड्ढा किए हैं, पानी गिरेगा तो 10 फीट का गड्ढा हो जाएगा। ये मात्र नगर निगम और स्मार्ट सिटी की पॉलिसी है कि गड्ढा करो, उसके निर्माण के चक्कर में भ्रष्टाचार करो। स्मार्ट सिटी ने जो रोड के बीच में पोल लगाया उसका आज तक की उजागर नहीं हुआ। कई एक जोन 3 में क्या बोलते सफाई कर्मियों के नाम से जो पैसा निकाल लेते थे, जो मर गए हैं उनके नाम से पैसा निकाल लेते थे और तनख्वाह चल रहा था, GPF निकाल लिए थे, उसके ऊपर नगर निगम द्वारा आज तक की कार्रवाई नहीं। जो नगर निगम या किसी भी प्रशासनिक काम सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको पैसा हमारे टैक्स से जाता है, आम जनता की टैक्स से मिलता है, उस टैक्स का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है, वो है नगर निगम और स्मार्ट सिटी। आज क्या गड्ढा वो नहीं ऐसा, 4 दिन से बरसात रुकी हुई है, क्या इन्होंने प्रयास किया कि गड्ढा पाट दिया जाए? नहीं, बल्कि अपन शहर में निकल के देखेंगे तो और कोई नाली का निर्माण हो रहा है। क्या हो गया? बोले केबल बिछाने का परमिशन। तो क्या बरसात के समय पे ही इनको केबल बिछाने का परमिशन दिया जाता है? ये नहीं देखते कि आम जनता जो यहाँ से गुजरेगी और एक्सीडेंट का वो होगा, बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए और बरसात में खास करके गड्ढा करने की अनुमति तो देना ही नहीं चाहिए। देखिए व्यक्तिगत तो अगर बोला जाए तो जो यहाँ के विधायक है जुनेजा जी, बहुत अच्छे व्यक्ति है, सज्जन है, लेकिन जिस पार्टी से बिलोंग करके वो विधायक बने हैं तो हम तो यही बोलेंगे कि ऐसा विधायक दोबारा इस क्षेत्र को ना मिले, क्योंकि जो भी आश्वासन दिए, जो भी कर्म किए हैं आज तक के, क्या बोलते उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है और ना ही चुनाव के बाद इस क्षेत्र में वो आए। कांग्रेस तेरा भी खेल निराला, जब जब जनता ने उनके सामने रखी है बात को रखी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि जलाशय और सार्वजनिक भूमि पे कोई भी व्यवसायीकरण नहीं होगा, लेकिन हमारे देखते देखते में इस तेलीबांधा मरीन ड्राइव में नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने सुप्रीम कोर्ट के गाल पे तमाचा मारा है, जिसकी बातें
मीडिया के माध्यम से कई बार उठाई जा चुकी है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि जलाशय की भूमि अन्य कार्य के लिए उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता, तो रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी और यहाँ के कलेक्टर जवाब दे जनता को कि ये जो दो दो हॉस्पिटल ये दो दो अपना होटल संचालित हो रहा है वो क्या नियम का उल्लंघन नहीं है, वो क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है। वहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर हुआ करते थे 200-250 साल पुराना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार से उसको हटा दिया गया, उसकी व्यवस्थापन नहीं की है। क्यों? क्योंकि जलाशय की जमीन अन्य कार्य के लिए नहीं दी जा सकता, लेकिन व्यवसायीकरण किया जा सकता है। तो एक को माँ और एक को मौसी, ये समझ से बाहर, और ये बड़ा रायपुर के लिए दुर्भाग्य है कि महापौर ऐसे बैठे हैं। अब मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगा, आप मीडिया के माध्यम से आप गोल बाजार थाना और ये कोतवाली थाना में पता करेंगे तो उनका बैक रिकॉर्ड मालूम चल जाएगा। ये हमारे रायपुर के लिए दुर्भाग्य कि ऐसा व्यक्ति रायपुर का प्रथम व्यक्ति बना है। सर, जैसे कि हमारे युवा बहुत सारे गलत दिशा में जा रहे हैं, जैसे क्राइम बढ़ रहा है, नशाखोरी ज़्यादा हो रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे सर? ये तो कांग्रेस की पॉलिसी रही है, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल सरकार रही, रमन सरकार रही 10 साल, तो 10 साल रमन सरकार रही, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो ये बताइए कुल मिला के अगर 15 साल बोलते हैं तो 15 साल में आज जो अपन देख रहे हैं कि गली मोहल्ले में गांजा सिगरेट दारू ये बिक रहा है, क्या पहले दिखते थे? आज देखने को मिल रहा है कि गली चौराहे में रात को कोई अगर गुजरता है तो चाकू टिका के उनको लूट लिया जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि मीडिया में ये बात नहीं आती है। अपने को जैसे सुबह देखते हैं अपन अखबार उठा के तो ये सामने आता है कि आज फलाना जगह चाकू टिका के लूट लिया गया। लूटने वाला कौन है, किस समाज को वेलांग करता है, अपन ने कभी देखा है? पुलिस गिरफ्तार करती है, पेपर में नाम भी आता है, अपन पढ़ते हैं कुरैशी खान मेमन, छोड़ देते हैं, लेकिन एक ही समाज क्यों क्राइम कर रहा है, एक ही समाज क्यों गांजा बेच रहा है, एक ही समाज क्यों अवैध दारू बेच रहा है? क्या ठेका ले लिया है क्या सरकार ने, उनको ठेका दे दिया क्या एक विशेष समुदाय को? आज ई रिक्शा देख लीजिए रायपुर में, कोई एक तिलकधारी दिखते हैं क्या आपको जो ई रिक्शा चला रहा है? ई रिक्शा बस टोपी वाले चला रहे हैं। तो इसके पीछे हमारे को समझना पड़ेगा, इसके पीछे हमारे को जाना पड़ेगा और जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि जो ई रिक्शा अभी नया है, वो नया चेहरा है, तो उसकी जांच की जाए, उसको लाइसेंस मिला, कहाँ का निवासी है, उसकी जांच की जाए, क्या वो यहाँ का मूल निवासी है छत्तीसगढ़ का, तो पता चलेगा नहीं। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं यही रायपुर की जनता और आम छत्तीसगढ़ की जनता को से मैं यही निवेदन और आग्रह करूँगा कि उठो, जागो, अपने हक के लिए लड़ो। आज अगर नहीं लड़े तो भूल जाओ कि अकेला मोदी कुछ कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, हमको आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोच है मैं सुधरूंगा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा पड़ोस सुधरेगा, पड़ोस सुधरेगा मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा जिला सुधरेगा, जिला सुधरेगा प्रदेश सुधरेगा, और प्रदेश सुधरेगा तो देश सुधरेगा। मोदी अकेला देश नहीं सुधार सकता, उसमें हमारे को भी भागीदारी देना पड़ेगा, हमको भी आहुति देना पड़ेगा, और वो आहुति है समय का। आज हमारे मोहल्ले के बीच में अगर मान लो कोई अवैध काम होता है तो मोहल्ले के लोगों को निकल के उसका विरोध करना पड़ेगा, अगर विरोध नहीं करेंगे तो वो हमारे सर पे खड़े होकर नाचेंगे। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा कि अब कम से कम अपने हक की लड़ाई तो लड़ें।